नहीं नहीं मैम, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। अरे ऐसा मत कर, देख देख आर्या की शादी शुरू हो गई है, प्लीज ऐसा मत कर, चल। गाना गा रहे हैं इस घर में, गाना गा रहे हैं परदेसी अखियां खोज रही है पिया, परदेसी अखियां आए न बालम, का करूं सजनी आए न बालम। जब भी कोई आहट होवे मनवा मोरा भागे, देखो कहीं टूटे नहीं प्रेम के ये धागे, है मतवारी प्रीत हमारी छुपे ना छुपाए, छुपे ना छुपाए। सावन हो तुम मैं हूँ तोरी बदरिया आए न बालम। तुम लोग तैयार हुए कि नहीं? चलो चलो। सुनो हा? इस घर में गाना गा रहे हैं? हाँ भैया ने परमिशन दी है। Really? ये बहुत ही टैलेंटेड है, थोड़ी तालीम मिलती तो ये लड़की तो दुनिया में अपना बहुत नाम रोशन करती, बहुत अच्छा बजा रही है। आज खान साहब अगर जिंदा रहते और उनसे ये सीखती तो पूरी दुनिया में इसका नाम होता। लेकिन भैया ने कैसी परमिशन दे दी, मैं सचमुच समझ नहीं पा रही हूँ। उस रिधिमान नाम के आदमी से जरूर इस परिवार का कोई ना कोई संबंध है, लेकिन क्या है ये मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। भैया ने परमिशन दे दी, लेकिन कामिनी तबला कौन बजा रहा है? जमुना। क्या कहा, जमुना तबला भी बजाती है? घबराऊं डर डर जाऊं, आई वो ना आए, आई वो ना आए, राधा बुलाए कहां, खोए हो कन्हैया।
बहुत अच्छा तबला बजाया तूने। अरे तू क्यों खड़ा है, चल चल, देर हो रही है। चल। देख, इस घर की एक इज्जत है, तो तू प्लीज उसे खराब मत करना। चल। नहीं, नहीं, मैं किसी और से प्यार करता हूं। मैं आर्या से शादी नहीं कर सकता। ये लीजिए, ये रहा इनाम आपका। ए, क्या बोल रहा है तू? तू पागल हो गया क्या? क्या बोल क्या रहा है तू? नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। मैं सही कह रहा हूँ। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। तो ये बात तू सबके सामने जाके बोल, जैसे मैंने बोली थी। फूफा जी, आप, तेरे अंदर जिगर है ना, तो सबके सामने जाके ये बोल। देखता हूं तेरे अंदर भी कितना शाही खून है। अब पैसे ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए है। मैंने तो कहा था कि मैं पैसे लेकर गाने नहीं गाता, मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, गाने के पैसे नहीं दे रहा आपको। शायद आपकी कॉलेज लाइफ में किसी ने आपसे पैसे उधार लिए थे। ₹10,000 किसी के पिता की मृत्यु पर आपने खर्च किए थे। केदार जी, जमींदार केदार कभी किसी का उधारी नहीं रखता। हाँ बिल्कुल, तू जा, तू जा जाके बोल। जानता है, मैं तेरे फूफा जी से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। हमारी हमारी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी है। हाँ, ये सच है कि कुछ कमी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा प्यार है। तेरे अंदर जिगर है ना, तो पापा के सामने ये बोल। जा। बोलूंगा। तूफान आ जाएगा। आने दो तूफान। ये पैसे लीजिए और तशरीफ ले जाइए। अब आपका साया भी यहां नजर ना आने पाए। केदार जी,
मैं एक आर्टिस्ट हूँ, आपके जितना अमीर तो नहीं हूँ, लेकिन ये उधारी कभी भी आपको चुकाने नहीं दूंगा, क्योंकि उस समय आप नहीं थे। किसी के पिता की मृत्यु पर मुसीबत के समय वो पैसे जो काम आए थे, आपकी सारी संपत्ति इकट्ठा करके भी उसकी कीमत चुकाई नहीं जा सकती। चलता हूं। अरे वाह, संगीत आ गया। संगीत, तेरे आशीर्वाद लेने की बारी है। अब मुझे इजाजत दीजिए बड़ी मालकिन, अब मैं चलती हूँ। क्या इजाजत दीजिए मतलब विसर्जन पर नहीं जाओगी? नहीं, क्योंकि कल ही घर पर वो महाजन आएगा, पैसे नहीं मिले तो वो घर हथिया लेगा, जमीन हथिया लेगा, इसलिए जाना होगा। आप लोग मेरा हिसाब कर दीजिए, मैं चली जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, एक फूटी कौड़ी भी तुझे देंगे नहीं जब तक तू विसर्जन के लिए नहीं आती। ये मुमकिन नहीं है, मुझे जाना ही होगा। ए सुन, तुझे जो बोला है वो सुन, तू नहीं जाएगी। आओ बेटा, अपनी रस्म पूरी कर लो, आओ। रस्म मत कीजिए, मैं आपके आशीर्वाद के लायक नहीं हूं। मेरे लिए आर्या से शादी करना मुमकिन नहीं है। ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ये सब क्या बोल रहे हो संगीत? ये क्या बोल रहे हो भैया? दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? क्या बोल रहे हो भैया? आप क्या बोल रहे हो? बात क्यों बढ़ा रहे हो? हाँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। संगीत बेटा, ये आप क्या कह रहे हो? केदार राय जी के सामने ऐसी बातें बोलने की हिम्मत किसी ने भी नहीं की। मैं जानती थी कि ऐसा कुछ जरूर होगा। संगीत, सर्वनाश, अब क्या होगा? अब तो ऊपर वाला ही जाने। क्या बोल रहा है तू? क्या बोल रहा है? क्या है ये सब? ये तुम्हारे लाड़ प्यार की वजह से है। नाटक, नॉवेल, सिनेमा देख के ये सब हो रहा है, और इसीलिए ये सारी चीजें मुझे पसंद नहीं आती। तुमने मेरा सिर झुका दिया संगीत। आज यहाँ इतने लोगों के सामने तुमने मेरी बेइज्जती कर दी संगीत। जिंदगी में कभी कोई मेरा माथा झुका नहीं पाया, पर आज तुमने मुझे शर्म से पानी पानी कर दिया। नहीं नहीं पापा, नहीं नहीं पापा, पापा मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ये शादी करना मतलब हम तीनों ही नाखुश रहेंगे। आर्य नाखुश रहेगी, मैं नाखुश रहूंगा, और वो भी नाखुश रहेगी। ए रुक रुक, क्या बोल रहा है तू? हाँ, किससे प्यार करते हो? कौन है वो लड़की? हाँ, हमारी बेटी की बेइज्जती हो रही है केदार बाबू।
बेटा, हमारी बेटी तुमसे बहुत प्यार करती है, ऐसे मत कहो। तुम हमारी बेइज्जती कर रहे हो बेटा। तुम्हें क्या चाहिए बोलो, घर, गाड़ी, हीरे जवाहरात, तुम्हें क्या चाहिए? सब देंगे, सब सब देंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। मैं जिसे प्यार करता हूँ सिर्फ वही चाहिए। ए, किससे प्यार करता है तू? हाँ, इसका दिमाग खराब हो गया है। क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रहा है? बोल, किससे प्यार करता है? पता था मुझे, पता था। क्या पता था तुझे? यही कि आपका बेटा इस परिवार का नाम डुबाएगा। किससे प्यार करता है तू? किससे? पापा का सर झुका दिया तूने, सबके सामने। शर्म नहीं आती तुझे? तू जानता है किसके बारे में तू बोल रहा है? तू जानता है वो कौन है? कौन है? गंगा ढोली की बेटी है, गंगा ढोली की बेटी, जमुना ढोली, जमुना। तेरी चॉइस इतनी गिर सकती है, मैंने कभी सोचा नहीं था। बचपन से ही तेरी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया, विदेश भेजा पढ़ने के लिए। आज तूने हमें महसूस करा दिया कि सब कुछ बर्बाद हो गया। अनु, मैंने तुमसे तभी कहा था कि इसे फौरन मत भेजो पढ़ने के लिए। एक पेड़ को उखाड़ के उसे विदेश की हवा खिलाओगी तो यही हाल होगा। इसे भगाओ यहां से, धक्का देकर निकालो राय परिवार से। ए रॉकी, चल। ए निकल, निकल यहां से।
संगीत, संगीत क्या कर रहा है? ये क्या हुआ? केदार राय के बेटे ने गंगा ढोली की बेटी की मांग भर दी। ढोल बजाने आई, अब पूरी जायदाद हड़पने की कोशिश कर रही है। गंगा ढोली की बेटी तो जमुना बड़ी चालाक निकली। संगीत जमुना, सच है दीदी, दूध और केला देकर सांप पाल रही थी। हम देख लिया ना बड़ी भाभी, मैंने आपको बताया था ना, सावधान किया था। इस गाने बजाने वाली लड़की ने आपके बेटे का सर खराब कर दिया ना। तेरे बारे में मेरी सोच गलत थी, मैं गलत थी, बाकी सब लोग सही थे।
छी 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 छी, इतनी बड़ी भूल कर दी मैंने, इतनी बड़ी भूल। रो मत बेटा, रो मत। केदार बाबू, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। ये बोल दिया, किसी को माफ नहीं करूंगा। ये अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। चलिए जीजा जी, बहुत हो गया, अब यहां नहीं रह सकते। चलिए चल यहां से। आर्या इसी घर में रहेगी। ये आप क्या बोल रहे हैं केदार बाबू? हाँ, भगवान के सामने सिर्फ मांग भर देने से ही कोई शादी नहीं होती। हाँ बिल्कुल, कोई वरमाला नहीं, कोई मंत्र पाठ नहीं, कोई रसम नहीं, ये शादी मैं नहीं मानती, नहीं मानती। इस घर में आर्या रहेगी मेरी बहू बनकर। मैंने फैसला ले लिया, आर्या ही मेरी बहू है। और मैंने भी फैसला किया है, जमुना ही मेरी पत्नी है। वो हो ढोली की बेटी, वो हो गरीब, लेकिन मेरे लिए राजकुमारी है। मार मार के गंगा ढोली की हड्डियां तोड़ दूंगा मैं। ताऊजी की जो इंसल्ट करेगा उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। गिरा पड़ा है, विजयदशमी तो हो गई है, तो विसर्जन क्यों नहीं हुआ? और ये घर में कोई दिख क्यों नहीं रहा? पापा, पापा, चाचू कहाँ है आप सब? पापा, किसे ढूंढ रही है तू? चाचू, विजयदशमी तो हो गई है, फिर विसर्जन क्यों नहीं हुआ? और ऐसे जमीन पे ढोल गिरा क्यों है? प्लीज आप मुझे कुछ बताइए ना। वो जान के तू क्या करेगी? वो जान के तू क्या करेगी? इस लड़के का हाथ पकड़ के सबके सामने तू इस घर से निकल गई, सबके मुंह पे कालिक पोत के। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि इस घर के लोगों की इज्जत का क्या होगा? और इस घर के लोगों के मुंह पर तुझसे ज्यादा कालिक पोती है उस ढोली की बेटी जमुना ने। सब बर्बाद कर दिया उसने। जमुना, क्या किया है उसने? क्या किया है? इतने दिनों से कमाया, इस घर का मान सम्मान इज्जत, सब कुछ शीशे की तरह चकनाचूर कर दिया है, तोड़ दिया है, सब कुछ खत्म कर दिया है, बर्बाद कर दिया है उसने। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है चाचू, बताइए क्या हुआ है? नहीं समझ रही? नहीं है? ये देख देवी दुर्गा, देख उनके 10 हाथों में हथियार हैं, लेकिन उन हथियारों से उन्होंने असुर को नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? बता सकती हो क्यों नहीं मारा? भगवान के लिए क्या हुआ है प्लीज बताएंगे। और आज तो भैया की सगाई भी थी, क्या हुआ है चाचू? सगाई नहीं हुई, नहीं हुई सगाई। सगाई के ऐन मौके पर ही वो घटना घट गई। कौन सी घटना घटी? तेरे भैया ने आर्या से सगाई नहीं की।
मना कर दिया? हाँ, तेरे भैया ने आर्या से सगाई करने से मना कर दिया। क्यों? ए, that's none of your business, हाँ? जो लड़का मेरे घर की बेटी की इज्जत नहीं रख सकता, उसके साथ मैं कोई बात नहीं करना चाहता। निकल जाओ यहाँ से। चाचू, आप इससे ऐसे बात मत करो। ए, तू चुप कर, गलती की है, ऊपर से जुबान लड़ा रही है। ए, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। चाचू, आप बात सुनो, सुनो। आप बस एक बार शांत होके मुझे ये बताइए कि असल में हुआ क्या है। तेरे भैया ने आर्या को रिफ्यूज किया है, और इतना ही नहीं, उससे भी बड़ा एक कांड किया है। क्या? तेरे भैया ने सबके सामने, देवी दुर्गा के सामने खड़े होकर उस ढोली की बेटी जमुना के, क्या जमुना के मांग में सिंदूर भरा है। तेरे भैया ने देवी दुर्गा के सामने खड़े होकर उस ढोली की बेटी जमुना के मांग में सिंदूर भरा है। सब तोड़ दूंगा मैं, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। ये औरत, इस औरत के बढ़ावे से सब कुछ हुआ है। जब से तुम इस घर में बहू बनकर आई हो, बार बार तुमने हमारे सिर को झुकाया है, और आज जो हुआ उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। विंध्यवासिनी देवी, कभी नहीं। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी को बिल्कुल नरक बना दिया है, नरक। दिमाग शांत रख केदार, जो होना था वो हो गया है। कम से कम विजया के अनुष्ठान तक। बंद विजया, बंद। इस घर में विजया नहीं होगी। राय परिवार के इस विजय उत्सव को आज से बंद कर दिया मैंने। भैया प्लीज शांत हो जाइए, पहले भगवान का विसर्जन तो हो जाए। नहीं होगा विसर्जन, कोई विसर्जन नहीं होगा। राय परिवार का मान सम्मान ऐश्वर्य सब कुछ विसर्जित कर दिया है मेरे बेटे ने। उसका चेहरा देखना भी पाप है। नहीं होगा कोई विसर्जन। विंध्यवासिनी देवी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मेरे पिता ने जिंदा रहते जिंदगी भर तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, और तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम्हें नहीं पता कि आज मैं क्या करने वाला हूँ। अपना दिमाग शांत रख, दिमाग शांत रख अपना। पहले विसर्जन कर ले। इस घर के रिवाज के अनुसार विजया के बाद मूर्ति नहीं रखते हैं घर में। कैसा विसर्जन, कैसा विसर्जन? नहीं होगा विसर्जन, नहीं होगा। जमुना, जमुना ने मेरे बेटे पर ना जाने कैसा जादू टोना किया है। हे भगवान! अरे भैया, उसकी नजर इस घर की दौलत पर, जायदाद पर है। मेरे और... बाकी के पैसे दीजिए बड़े मालिक। जमुना, मेरे बाकी के पैसे दीजिए बड़े मालिक। तू ये क्या बोल रही है? तू तो इस घर की बहू है। मुझे मेरे बाकी के पैसे चाहिए। आज विसर्जन होगा, मुझे गांव लौटना ही होगा। क्या कहा? आज जमुना ढोली आखिरी बार ढोल बजाएगी। तू क्या बोल रही है? मेरे बारे में आपने गलत नहीं सोचा बड़ी मालकिन। मूर्ति का विसर्जन होगा आज, आज विसर्जन होकर रहेगा। जमुना ढोली ढोल बजाएगी, बजाएगी। हे
चल गजा, गंगा ढोली की बेटी हूँ, गंगा ढोली की बेटी। आज मैं ऐसा ढोल बजाऊंगी। चल गजा, चल। मजाक कर रही है मेरे साथ? मजाक? जी भैया, ऐसा ही लग रहा है, ये मजाक ही कर रही है। छी 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 छी, मैं सोच भी नहीं सकती थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरा बेटा ऐसा कुछ करेगा, एक ढोली की बेटी से शादी करेगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी, मेरा सर झुका दिया संगीत ने, सर झुका दिया। दीदी, इसे शादी कहते हैं क्या? और सर झुकाकर क्या फायदा? इसे तो अब मुक्ति नहीं मिलेगी, उसे तो राजकुमार, राजमहल, गद्दी सब मिल गई। एक तीर से कितने निशाने लगाए देख रही हैं आप? ऐसा मत बोलो, वो बहुत अच्छी लड़की है, लक्ष्मी रूपा, भाग्यवान। चुप रहो। माँ, माँ, चुप करिए माँ, प्लीज आप चुप करिए, आपने बहुत बोल दिया है, चुप करिए। थैंकलेस लड़की है, थैंकलेस, उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। उसे इस घर की बहू के रूप में अनुराधा राय कभी भी स्वीकार नहीं करेगी, कभी भी नहीं। गजा, दीदी, चल घंटा बजा। किसने लगाया तुझे ये सिंदूर? किसने लगाया सिंदूर, बोल! विसर्जन का समय हो चुका है, अब ढोली को अपना काम करने दीजिए। विसर्जन की ध्वनि बज चुकी है, भगवान कब तक रहेंगे यहाँ? हाँ, भगवान विसर्जित होंगे, बुलाइए घर वालों को, बुलाइए। आज विसर्जन होगा, भगवान का विसर्जन होगा आज। बोलो दुर्गा माँ की जय, बोलो दुर्गा माँ की जय। ए, संगीत के हाथों से सिंदूर लगवाने के बाद भी तू ढोल बजाएगी? हाँ बजाऊंगी, मैं ढोली हूँ, जमुना ढोली, और यही मेरा इकलौता परिचय है। जमुना,